और हमारे यहाँ विशेष करके खाटू जी को मानते हैं, श्याम बाबा को ज़्यादा मानते हैं। उनका जन्म भी नागालैंड के डीमापुर में हुआ, इडिम नगर नाम था उसका पहले, जो इडिम्बा थी उसके ये पोतर थे। तो हम लोग सब उनको मानते तो हैं पर उनके बारे में जानते नहीं भी वो क्या उनका इतिहास है। तो हमारा संबंध उन लोगों से है। वनवासी कल्याण आश्रम 12 करोड़ वनवासी बंधुओं के लिए काम करता है। ये वनवासी बंधु जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में और घने जंगलों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कार्य करता है। समाज व सरकार की उपेक्षा के कारण वो जो मॉडर्न जिंदगी है उससे पिछड़ गए हैं, तो उसका फ़ायदा उठाकर जो शाही मशीनरी है या देश विरोधी लोग एक उसका फ़ायदा उठाकर देश विरोधी लोग हैं या ईसाई मिशनरी है उनको कन्वर्टेड करके इस देश के विरुद्ध खड़े कर रहे हैं। इसका उदाहरण आपने नॉर्थ ईस्ट में खास करके मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में ये साक्षात आपने देखा है कि जहाँ भी हमारा बंधु घटा है और ये जो लोग बड़े हैं तो इन्होंने एक अलगाववाद की नीति अपनाई है। तो इसी के लिए वनवासी कल्याण आश्रम 26 दिसंबर 1952 से ये कार्य कर रहा है। तो हरियाणा में 1986 से एक कार्य प्रारंभ हुआ। हम लगभग 2 छात्रावास यहाँ चलाते हैं, एक भिवानी में एक फरीदाबाद में। प्लस टू तक बच्चे भिवानी में पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेज के लिए फरीदाबाद में छात्रावास है। ये सारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं लगभग, तो कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर के भी हैं। इसके परिणामस्वरूप अभी हमारा जो कार्य है लगभग 2 करोड़ लोगों के बीच में पहुँच पाया है। 250 छात्रावास चलाते हैं पूरे देश भर में और लगभग 22,000 प्रोजेक्ट पूरे देश में चलते हैं छात्र कल्याण आश्रम के। और हमारा ऐसा नहीं कि वो लोग कोई अलग हैं, चाहे वो नागालैंड के लोग हैं, चाहे मणिपुर के हैं, चाहे किसी भी राज्य के हैं, वो हमारे ही बंधु हैं। उसका उदाहरण मैं आपको 2-3 तरीके से समझाता हूँ। भगवान कृष्ण जी रुक्मणी को अरुणाचल प्रदेश से शादी करके लाए थे, भगा के, मतलब ऐसी मान्यता कि भगा के लाए थे। तो ये जो स्थान है वो सदिया एक जगह है, वहाँ पे सदिया से लेके आए थे। और अर्जुन की भी 3 शादियाँ नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, चित्रांगदा, उलूपी और प्रमिला, 3 जो रानियाँ थी वो नॉर्थ ईस्ट से थी। और हमारे यहाँ विशेष करके खाटू जी को मानते हैं, श्याम बाबा को ज़्यादा मानते हैं। उनका जन्म भी नागालैंड के डीमापुर में हुआ, इडिम नगर नाम था उसका पहले, जो इडिम्बा थी उसके ये पोतर थे। तो हम लोग सब उनको मानते तो हैं पर उनके बारे में जानते नहीं भी वो क्या उनका इतिहास है। तो हमारा संबंध उन लोगों से है और हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके लिए कार्य करके, ये सब हमारे अपने बंधु हैं। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो मैंने एक संक्षिप्त में आपको उसकी जानकारी दी। हाँ, 6 दिसंबर का जो, हाँ जी, 6 दिसंबर का कार्यक्रम किस प्रकार रहने वाला है, कौन कौन उसमें मुख्य अतिथि होंगे? हाँ जी, 6 दिसंबर को हमारे अखिल भारतीय जो अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र जी वो आने वाले हैं, और माननीय गंगुआ जी जो कैबिनेट मंत्री है वो रहेंगे, माता जी सावित्री जिंदल जी जो विधायक हैं यहाँ की वो रहने वाली हैं, और कंबोज जी जो VC हैं उनकी अध्यक्षता रहेगी। तो बच्चे हमारे जो छात्रावास के बच्चे हैं भिवानी छात्रावास के वो कार्यक्रम देने वाले हैं। क्या कुछ मुख्य है उस कार्यक्रम में? उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेगा, उसमें कुछ से 1-2 कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट का रहेगा, बाकी देशभक्ति के ऊपर उनके कार्यक्रम रहेंगे बच्चों के। क्या ये वनवासी जो थीम है उसकी झलक भी देखने को? हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उसको जो आपको जो नॉर्थ ईस्ट का जो कार्यक्रम दिखाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें वनवासी कल्याण समिति की तो इनके संस्थापक कौन है? पूज्य बाला साहब देश पांडे जी, उन्होंने इसकी स्थापना की। जसपुर नगर, छत्तीसगढ़ में एक जसपुर नगर है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। कार्यक्रम कितने बजे, क्या समय? 4 बजे, 6 तारीख को 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा कार्यक्रम, जो एग्रीकल्चर कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है HU में उसमें रहने वाला है। क्या कुछ मान सकते हैं कितने गैदरिंग वहाँ पर हो? 500 से के ऊपर ही कुछ लोग उम्मीद है आने वाले हैं। सर आपने धर्म परिवर्तन की बात बोला तो जो वनवासी कल्याण है इसका क्या योगदान है इसको रोकने में? हाँ, इसका रोकने में हम लोग उनका शिक्षा, चिकित्सा, ग्राम विकास और के द्वारा उनका वो करते हैं, मतलब लाभ पहुंचाते हैं उनको। तो उसके बाद फिर जब वो सक्षम हो जाता है तो उसको धर्मांतरण की जरूरत नहीं रहती,
उसके मजबूरी की वजह से धर्मांतरण वो करता है बेचारा, तो उसको रोकने में हम लोग मेन शिक्षा का रोल रहता है। तो शिक्षा, चिकित्सा और जो ग्राम विकास, जो उनकी डेवलपमेंट है, जो इनको यहाँ छात्राश्रम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये जाके आगे जाके आर्मी में चले जाते हैं, या फिर हिंदी टीचर की इनको नॉर्थ ईस्ट में खास करके जॉब मिल जाते हैं, क्यों यहाँ आते हैं तो हिंदी अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तो फिर वो धर्मांतरण रोकने में काफ़ी इसमें लाभ मिलता है अपने को। नहीं, अगर ईसाई मिशनरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या फिर उड़ीसा हो, वहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र, वहाँ पर उनका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, तो क्या आपकी तरफ से भी इस तरह का कोई प्रयास किए जाते हैं? हाँ, उसके लिए हम जैसे उनकी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए मंदिरों का निर्माण भी हम लोग करते हैं और उनको धर्म से जोड़ते हैं, ताकि वो जब गांव में एक मंदिर बन जाता है तो वो बेचारे सब इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद कोई धर्म परिवर्तन वहाँ नहीं होता है। अब तो ये हरियाणा में भी फैले लगा है, अक्सर फतेहाबाद, बरवाला और इन सब क्षेत्रों में, या टोल के ऊपर जो लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, तो धर्मांतरण और फोर्सफुली धर्मांतरण करवाना, तो दोनों चीजों में फर्क है। एक तो अपने मन से कोई धर्मांतरण कराना चाहे, तो आजकल जो ये ईसाई मशीनरी है कई तरह के लालच देकर जो है इस तरीके की, ये तो हमारे समाज की जो जागृति नहीं है, हमारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में, इसकी वजह से वो लोग उठा रहे हैं। ये पूरे समाज को जागना पड़ेगा, इसके लिए सबको कार्य करना पड़ेगा। तो वर्कशॉप इस तरीके के आप कर रहे हैं, इसके ऊपर काफी संस्थाएं काम कर रहे हैं, जैसे विश्व हिंदू संगठन, काफी संस्थाएं जो इसके ऊपर काम कर रही है। देखिए, संस्थाएं तो काम कर रही हैं, जब तक समाज जागृत नहीं होगा ना, समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल काम है, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। समाज के लिए आप क्या आह्वान करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम यही कहेंगे कि अपने आसपास का ख्याल रखें, अपने जो आसपास के बंधु हैं, हमारे यहाँ एक समाज में ना कमी है, जो छुआछात की जो बीमारी है, हालांकि पहले से काफ़ी कम हुई है, फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं है, तो उस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए। सारे बंधु अपने हैं, कोई भी अलग नहीं है। हम जैसे कोई भी कार्यशाला करके लोगों के बीच में जाके, उनके बीच में जहाँ उनके पूजा स्थल हैं उनके जाएं, उनसे बातचीत करें, उनके कार्यक्रमों में जाएं, जो भी लोग जिस एरिया में आपको लगता है यहाँ धर्मांतरण की गुंजाइश है, उन क्षेत्रों में जाएं। मान्यवर, एक हम सभी के लिए कड़वा सवाल के, मोहल्ले के अंदर, गली मोहल्लों में, हर एरिया में मंदिर होते हैं, सुबह शाम की आरती के अंदर महज 5 लोग भी मुश्किल से इकट्ठा होते हैं, तो क्या लगता नहीं कि अब वो समय आ गया जब हम सबको इकट्ठा होकर ये बेड़ा उठाना होगा? हाँ, देखिए, जो हमारे विरोधी लोग हैं, जैसे इस्लाम में शुक्रवार को नमाज के लिए लगभग सब लोग इकट्ठा होते हैं, और ईसाइयों में सर्विस के लिए जो सर्विस होती है संडे को, उसमें लगभग सब लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो कितना भी ज़रूरी काम उनके लिए कंपलसरी रहता है कि वो सर्विस में आए। तो इसी तरह से हमें भी कोई मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए, या किसी भी और जो भी देवता, शंकर जी का, तो सोमवार का दिन उस मंदिर में निश्चित कर सकते हैं, तो सारे समाज को इकट्ठा होना चाहिए। एक बार अंत में चलते चलते कार्यक्रम के लिए जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें इन्वाइट कर दीजिए और एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम है, मैं सभी बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि सारे उसमें ज़रूर आएँ, ताकि मतलब समाज को भी लगे कि भाई इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं। दूसरा, मैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में भी बता दूँ, हरियाणा क्या काम करता है। 2 छात्रावासों के अलावा यहाँ से धनराशि इकट्ठा करके उन क्षेत्रों को भेजी जाती है। 2 राज्य हमने गोद लिए हुए हैं, झारखंड और केरला को, और बस्तर लगभग साल में 35 से 40 हज़ार कंबल भेजे जाते हैं, 40 हज़ार के करीब साड़ियाँ हर साल भेजते हैं हम यहाँ से इकट्ठा करते हैं। हाँ, ये हमें साड़ियाँ जो प्राप्त होती हैं मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़ से, शीतला माता मंदिर गुड़गांव से प्राप्त होती हैं, और कंबल समाज से हम इकट्ठा करते हैं। कार्यक्रम हमारा 6 दिसंबर को किसी विश्वविद्यालय में है, और हम सबको आपको नॉर्थ ईस्ट की झलक मिलेगी कि हमारे बच्चे हमसे भी अच्छी हिंदी बोलते हैं, जो हमारे पास आते हैं उनको हिंदी नहीं आती, और रहना सहना भी उनका हमसे अलग होता है, तो यहाँ आके वो हमसे बेहतर काम करते हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चे इतने सांस्कृतिक, हमसे भी अच्छा आपको हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे और देश की एकता के बारे में बताएंगे। हमारा मेन मकसद है तू मैं एक रक्त, हमारा सबका एक ही रक्त है, और उनको मुख्य धारा में जोड़ना हमारा संस्था का सबसे मेन कार्य है। जो हमारी मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको वापस लाना और देशभक्ति के लिए देशभक्त बनाना, ये हमारा मुख्य काम है।
ये हमारा संगठन आरएसएस का है, राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारक ही इसके संस्थापक थे, अब भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं पहले प्रचारक थे। जैसे कितने छात्र 43 छात्र 43 समुंडा जी, और इस तरह से मतलब ये बार बार ये मतलब पूछा जाता है कि क्या योगदान है देश में वनवासी लोगों का। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इतिहासकारों ने इस चीज़ को हमसे छिपा के रखा, उनको कहीं भी स्थान नहीं दिया। आप किसी भी राज्य में जाएंगे, हरियाणा पंजाब को छोड़ के, हरियाणा पंजाब में कोई भी वनवासी बंधु नहीं रहता, बाकी सभी राज्यों में कम या ज़्यादा मात्रा में सभी जगह रहते हैं। उनका इतना विशेष महत्व है कि इतना कार्य उन्होंने किया, शायद ही किसी और ने इतना कार्य किया होगा। जलियांवाला कांड के बारे में तो मतलब सबको पता है कि बहुत बड़ा कांड हुआ था, किंतु उससे भी बड़ा कांड, उससे कई गुना बड़ा कांड मानगढ़ राजस्थान में हुआ, उसके बारे में इतिहास में कहीं भी जगह नहीं मिली उन लोगों को। एक दिन में मतलब एक स्थान पर लगभग 2000 लोगों को मार दिया गया था। एक दर्शन यात्रा का आपको कंसेप्ट रहता है वो क्या? हाँ, यात्रा, वन यात्रा का, वन यात्रा का हाँ। हिसाब से आप हर साल बस लेके जाते हैं, आपका क्या मकसद है कि आप जो वहाँ पे यात्रा करवाते हैं? नहीं, दो तरह की यात्रा रहती है, एक वन यात्रा रहती है, एक नगर यात्रा रहती है। वन यात्रा में शहर के लोग वनों में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, ताकि उनको अपनेपन का एहसास हो, उनकी समस्याओं को जानने के लिए और उनसे उनकी संस्कृति को जानने के लिए। तो नगर के लोग वहाँ की यात्रा करते हैं, वनों की यात्रा करते हैं, और जो वनवासी भी हैं उनको नगरों में लेके आते हैं हम लोग, ताकि वो यहाँ के बारे में जानकारी उनको हो। कहीं ना कहीं देखा गया है कि पिछले दिनों जो आपके कार्यक्रम होते थे वनवासी कल्याण आश्रम के, तो कुछ बच्चों के किसी न किसी के घर पे, कार्यकर्ताओं के घर पे भिजवा भेज दिए जाते थे, वो रखते थे 2 दिन के लिए, ऐसा क्यों? अभी भी वो है, वो जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हमारे पास रहते हैं तो उनको एक साल तो घर पे भेजते हैं छुट्टियों में, एक छुट्टियों में पूरे हरियाणा का भ्रमण कराते हैं। तो उनको जैसे नगर नगर ले जाते हैं, उनको जैसे ही नगर में जाएंगे तो वहाँ जैसे 50 बच्चे आने वाले, 25 परिवारों को तैयार रखते हैं हम लोग, तो 2-2 बच्चों को घरों में ठहराया जाता है, ताकि और उसमें ये रहता है कि जो परिवार वाले उनको पहले से बता दिया जाता है कि वो बच्चे आने वाले हैं, तो वो जैसे अपने बच्चे रहते हैं घर वाले वैसे उनको रखना है, कहीं उनके ऊपर पाबंदी किसी तरह की नहीं रहनी चाहिए। वो जैसे आएंगे, जैसे फ्रिज से कुछ निकाल के खाना तो खाने दीजिए उसको, टीवी देखना टीवी देखने दीजिए, मतलब इस तरीके से ये हमारा, ताकि वो उनको लगे कि एक घर हमारा यहाँ भी है और यहाँ की पूरी संस्कृति वो जान सकें ठीक ढंग से। तो इस उद्देश्य से हम लोग नगर यात्रा और वन यात्रा दोनों करवाते हैं। तो इस बार क्या साल में भी इस बार यात्रा करवाएंगे? हाँ, आने वाली है, वो जो छुट्टियों के टाइम पे आएगी। सर, आपने बताया कि कश्मीर से भी कुछ छात्र आपके इसमें है? हाँ, 9 छात्र हैं हमारे यहाँ हैं। तो क्या उनको जो है कि अलगाववाद से दूर रखने के लिए क्या कुछ? नहीं, वो उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों से हैं। हाँ, तो उनका अलगाववाद की समस्या नहीं है वहाँ, समस्या वही जो मतलब गरीबी की हालत जो ख़राब है वहाँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उसकी वजह से जो ईसाई मशीनरी है उसको धर्मांतरण से बचाने के लिए या उनको डेवलपमेंट करने के लिए उनको बच्चों को लाया गया है। धन्यवाद। मैं वो अनुभव साझा करना चाहूँगा जो इन्होंने पूछा था कि बच्चे जो आते हैं, तो कई साल पहले मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की, तो राम बाबू जी से जब मुलाकात हुई तो जो बच्चे यहाँ आए तो उनमें से 2 बच्चे मेरे घर भी रहे थे, मेरा बेटा कदम है उसके साथ, तो एक दिन में मतलब बच्चे इतने घुल मिल जाते और संस्कृति जो आपस में बांटते हैं समझते हैं, तो वो उस बच्चे यानी मेरे बेटे के लिए और उन बच्चों के लिए बड़ा ही अविस्मरणीय पल था। एक तो संस्कृति आपस में साझा होती है, अपनापन होता है, और मतलब देश को जोड़ने का एक सूत्र में बांधने का बड़ा ही सशक्त माध्यम है ये, जो वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरी अभी बात भी हुई थी जो भिवानी के बच्चे जो आने हैं हिसार में कार्यक्रम के लिए, जैसे कि उन्होंने नागा डांस करना है जो नागालैंड का प्रसिद्ध डांस है, ऐसे ही जो उनके गीत हैं वनवासी क्षेत्र के, इस तरह की कई प्रस्तुतियाँ जो हैं 6 तारीख को 6 दिसंबर को एचयू में की जानी है। तो हमें उम्मीद है कि हम सभी को कि उसमें काफ़ी लोग जुटेंगे और वनवासी संस्कृति से रूबरू होंगे। इसमें एक अपील मैं करना चाहूँगा, जो कुंभ लगने वाला है तो उसमें 2000 वनवासी बंधु डेली आने वाले हैं, 2000 व्यक्तियों का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए मैं समाज से अपील करता हूँ कि भाई कंबल और जैसे राशन सामग्री, मतलब कोई भी सहयोग करना चाहे तो उसमें करें।